अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती हाफिज अली हसन फरीदी है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, मैं आपका ग्रेड 5 इस्लामी अदब का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हदायत के साथ चश्मे और मशाहिर इस्लाम। पॉइंट नंबर 2 हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम SNO हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के बारे में जान सके। SNO हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग तालीमात और सिफात के बारे में गाह हो सके। प्यारे बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़े अता फरमाए। उनमें से आपका एक मौजज़ा ये था कि आपने 3 दिन की उम्र में गुफ्तगू की। अभी आप 3 दिन के थे कि जब लोगों ने आपकी वादा पर इल्ज़ाम लगाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल के कहने लगे, लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है, अल्लाह ने मुझे नमाज अदा करने और ज़कात देने का हुक्म अता फरमाया है और मैं जब तक जिंदा रहूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है और उसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया है। सूरह मरियम आयत नंबर 30-32। मेरे बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से ये भी मौजज़ा था, आप अंधे के आंखों पर फूंक मारते अल्लाह उसको शिफा दे देता, कोड के बीमार के पे हाथ लगाते अल्लाह उसको शिफा दे देता और मट्टी के परिंदे बना के उसको हवा में उड़ाते वो जिंदा होकर उठ जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बताते कि तुम क्या खा कर आए हो और तुम क्या छोड़ कर आए हो। प्यारे बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई, ये मुकद्दस किताब आपने लोगों को दी, लेकिन सरकश लोगों ने इसमें तब्दीलियां कर दी और इस मुकद्दस किताब को सही ना समझ सके और उन्होंने अपने बादशाह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शिकायत की और आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने सूली पे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पे उठा लिया। और प्यारे बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में बताया करते थे कि लोगों, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, यानी मोहम्मद खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घर घर में जाके अल्लाह के दीन की तबलीग करते, पूरे मोहल्ला में जाके अल्लाह के दीन की तबलीग किया करते। यानी बच्चों, मुसलमानों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और इस्लाम की तबलीग करेंगे। यानी बच्चों, इससे हमें यह मालूम हुआ, इंसान के राह में जितनी भी मुश्किल आएं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि डट जाना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएगा। यानी बच्चों, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।